नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में करवा चौथ को लेकर के बाजारों में चहल पहल एकाएक बढ़ गई है। कोरोना के कारण पिछले वर्ष की अपेक्षा सिरसा शहर में ग्राहक की काफी कम है। दुकानदार मंदी की मार झेलने को मजबूर हैं। त्योहारी सीजन शुरू होने के बावजूद बाजार में काम मंदा है। अब करवा चौथ व्रत के कारण बाजारों में कुछ रौनक लौटी है। कल करवा चौथ का व्रत है और आज महिलाएं बाजार में मेहंदी लगाने का साजो सामान लेकर के सजने हेतु अलग अलग तरह का सामान खरीदने पहुंची हैं। महिलाओं के हाथों में मेहंदी रचाई और बाजार में खरीदारी भी की। भीड़भाड़ के चलते बाजारों में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए महिला थाना पुलिस ने विशेष तैयारी भी की है। शादी वर्दी में महिला कर्मचारी बाजारों में गश्त कर रही हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। महिला थाना प्रभारी सीमा रानी ने बताया कि बाजारों में भीड़भाड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। शादी वर्दी में महिला कर्मचारी भी तैनात हैं। भीड़भाड़ में अक्सर छीना झपटी की वारदातें बढ़ जाती हैं, इसलिए लगातार महिला पुलिस कर्मी बाजारों में गश्त कर रही हैं। इनके साथ मोटरसाइकिल राइडर भी तैनात किए गए हैं। कोरोना काल के चलते लोगों से लगातार मास्क पहनने की भी अपील की जा रही है। आप देख रहे हैं सिरसा से पल पल की खास रिपोर्ट। जैसे ये जो त्यौहार है करवा चौथ का, तो बाजार में इस टाइम काफ़ी रौनक है, काफ़ी भीड़ है, जिसमें औरतें आ रही हैं, शॉपिंग कर रही हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए हमने बाजार में शादी वर्दी में महिला पुलिस की ड्यूटी लगाई हुई है। और उसमें गश्त हो रही है, जो अपनी राइडर है दुर्गा शक्ति है, उसमें लगातार उसमें गश्त की जा रही है ताकि महिला को किसी भी प्रकार की असुरक्षा ना हो। जो मैं आपके माध्यम से ये सभी से कहना चाहती हूँ कि भी कोरोना के चलते आप सभी बाजार में आते हो, आप अपना जो मास्क लगा के चलें, भाई कम से कम हम यही चाहते हैं कि कोरोना के कारण किसी के भी कोई भी बीमार ना पड़े। और इसलिए मैं आप सब आपके थ्रू सभी से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी जब भी बाजार में शॉपिंग वगैरह करने आए, मास्क जरूर लगा कर आएँ।